तो दोस्तों, 4 साल की लंबी गैप के बाद फाइनली अब कैप्टन मार्वल मूवी का सेकंड पार्ट आ रहा है। और ये फिल्म सिर्फ कैप्टन मार्वल की ही सीक्वल नहीं है, बल्कि ये वांडा विजन और मिस मार्वल सीरीज की भी सीक्वल है। और यहाँ पर हमें तीन तीन सुपर हीरोइंस नजर आने वाली है, जिनके नाम में मार्वल जुड़ा हुआ है, इसीलिए फिल्म का नाम है द मार्वल्स। और अब इस मूवी का पहला ट्रेलर आ गया है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। आज मैं द मार्वल्स के टीजर ट्रेलर का ब्रेकडाउन करूंगा और बताऊंगा आपको इस फिल्म के कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स। तो आइए देखते हैं। तो ट्रेलर और मूवी के बारे में बात करने से पहले इस फिल्म के सभी मेन कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं, ताकि आपको बाकी डिटेल समझने में आसानी हो। सबसे पहले बात करते हैं निक फ्यूरी की। तो पिछली कैप्टन मार्वल मूवी की ही तरह इस बार भी यहाँ निक फ्यूरी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। फ्यूरी को हमने आखिरी बार स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था, जो कि एक स्पेसशिप में बहुत सारे स्क्रल्स के साथ काम कर रहे थे। और इस मूवी के ट्रेलर में हमें दिखता है कि फ्यूरी सेबर नाम के एक स्पेस स्टेशन में मौजूद है। सेबर शील्ड की ही तरह कोई सीक्रेट एजेंसी लग रही है, जो कि पृथ्वी को बड़े खतरों से बचाती है। लेकिन क्या फ्यूरी स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में भी सेबर के लिए ही काम कर रहे थे? ये थोड़ा सोचने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर हमें फ्यूरी के साथ एक भी स्क्रल नहीं दिखा। इस सब के अलावा फ्यूरी से रिलेटेड यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस साल इस मूवी के अलावा निक फ्यूरी हमें सीक्रेट इन्वेजन सीरीज में भी दिखने वाले हैं। और कई लोगों का ये मानना है कि उस सीरीज के एंड में फ्यूरी की डेथ हो जाएंगी, पर वो सीरीज द मार्वल्स के पहले ही रिलीज होने वाली है। मतलब हो सकता है कि इस मूवी की स्टोरी सीक्रेट इन्वेजन के पहले की है, इसीलिए अगर निक फ्यूरी उस सीरीज में मरते भी है तो इस मूवी पर उसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि इसकी टाइमलाइन अलग है। मूवी के दूसरे कैरेक्टर की बात करें तो वो है मोनिका रैम्बियू। इस कैरेक्टर के बारे में कुछ लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन है। ये मोनिका असल में वही छोटी लड़की है जिसे हमने पहली कैप्टन मार्वल मूवी में देखा था, जो कि कैरल की फ्रेंड मारिया रैम्बियू की बेटी थी। और क्योंकि उस मूवी में 1995 का टाइम दिखाया गया था और ये मूवी 2025 के टाइम की है, इसलिए मोनिका अब बड़ी हो चुकी है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि मोनिका के पास सुपर पावर्स कैसे आई? तो इसका जवाब हमें वांडा विजन सीरीज में मिलता है। उस सीरीज में जब मोनिका वांडा की बनाई हुई एनर्जी फील्ड से गुजरी थी, तो उसकी बॉडी में काफी बदलाव आ गया था और उसे सुपर पावर्स मिल गई थी। फिर उस सीरीज के एंड में मोनिका को किसी ने स्पेस में बुलवा लिया था, और इस ट्रेलर से हमें ये पता चल गया कि वो निक फ्यूरी है जिन्होंने उसे स्पेस में बुलाया था। और अब मोनिका फ्यूरी के साथ सेबर में काम कर रही है। मूवी के तीसरे कैरेक्टर की बात करें तो वो है कमाला खान। ये कैरेक्टर आई है मिस मार्वल सीरीज से, जो कि एक स्कूल में पढ़ने वाली लड़की है और उसे एक बैंगल यानी कड़े की मदद से सुपर पावर्स मिल गई है। मिस मार्वल सीरीज के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा था कि कमाला अचानक अपने कमरे से गायब हो गई थी और उसकी जगह वहां पर कैरल डेनवर्स आ गई थी। ये सब क्या और क्यों हुआ, इसका जवाब हमें इस फिल्म में मिलने वाला है। तो मूवी की बेसिक स्टोरी ये है कि जब कैरल एक अनजान वर्म होल की इन्वेस्टिगेशन करने जाएंगी, तब उसकी पावर्स मोनिका और कमाला से जुड़ जाएंगी। वर्म होल का मतलब है स्पेस ट्रेवलिंग पोर्टल, जिसे MCU की मूवीज में जंप पॉइंट कहा जाता है। इस ट्रेलर में भी हमें कई सारे जंप पॉइंट दिखते हैं। ऐसे ही किसी एक जंप पॉइंट की वजह से कैरल, मोनिका और कमाला आपस में जुड़ गए हैं, और वो जब भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो एक दूसरे की जगह पर टेलीपोर्ट हो जा रहे हैं। उनका आपस में जुड़ने का रीजन ये हो सकता है कि उन तीनों की पावर का एनर्जी सिग्नेचर सेम है, लेकिन इस पावर के क्रॉस कनेक्शन से उन तीनों को बहुत तकलीफ हो रही है, इसीलिए उन्होंने साथ मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का फैसला किया है, जिसकी वजह से निक फ्यूरी और मोनिका यहाँ कमाला के घर उससे मिलने आए हैं। आगे हम ट्रेलर में कैरल, मोनिका और कमाला को एक स्पेसशिप में बैठा हुआ देख सकते हैं, जो कि किसी दूसरे प्लेनेट पर जा रहे हैं। शायद वो तीनों किसी मिशन पर साथ में काम कर रहे हैं। ये सब तो मूवी की बेसिक डिटेल्स थी। अब बात करते हैं इसके विलेन के बारे में। मूवी की विलेन एक लड़की है जिसका नाम तो हमें अभी नहीं मालूम, पर वो एक क्री एलियन है। क्री एलियंस को हम पिछली कैप्टन मार्वल मूवी और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1 में देख चुके हैं। इस लड़की के पास यहाँ वैसा ही हथियार है जैसा कि रोनन द अक्यूजर के पास था। इस हथियार को कॉस्मिक रॉड या यूनिवर्सल वेपन कहा जाता है, जो कि अक्सर क्री एलियंस के लीडर के पास होता है। मतलब ये लड़की क्री की नई लीडर है, जो कि शायद कैरल डेनवर्स से बदला लेने के लिए आई है, क्योंकि उसने कई साल पहले क्री एम्पायर को बर्बाद कर दिया था।
इस लड़की के पास कॉस्मी रॉड के अलावा भी एक और खतरनाक हथियार है, जो कि है ये बैंगल। ये वैसा ही बैंगल लग रहा है जैसा कि कमाला खान के पास है। और मिस मार्वल सीरीज में हमें ये पता चला था कि ऐसा एक नहीं बल्कि दो बैंगल्स मौजूद है, और दूसरे वाले की लोकेशन के बारे में किसी को नहीं मालूम था। लेकिन इस ट्रेलर से ये कन्फर्म हो गया है कि वो दूसरा बैंगल क्री एलियंस के पास है, और यहाँ उसमें से वैसी ही पर्पल लाइट निकल रही है जैसी कि कमाला के बैंगल से निकलती है। ये दोनों ही ब्रेसलेट शायद क्री नेगा बैंड्स है, जो कि कॉमिक्स में क्री एलियंस के खास हथियार थे, और हो सकता है कि ये लड़की कमाला से वो दूसरा बैंड छीनने के लिए आई है। मूवी के मेन एक्टर्स की कॉस्ट्यूम की बात करें तो यहाँ कैप्टन मार्वल का सूट एक बार फिर चेंज कर दिया गया है। कैरल डेनवर्स इकलौती ऐसी सुपर हीरो है जिसका कॉस्ट्यूम इतने कम टाइम में कई बार चेंज किया गया है। इस मूवी की शुरुआत में वो एक अलग सूट में दिखी रही है, और बाद में वो फिर एक नए सूट में नजर आती है। दूसरी कैरेक्टर है कमाला खान, जिसे अभी अभी ही मिस मार्वल सीरीज में एक बढ़िया सूट मिला था, लेकिन इस मूवी में उसके सूट को काफी डाउनग्रेड कर दिया गया है। और लास्ट कैरेक्टर है मोनिका रैम्ब्यू। मोनिका को पहली बार ही कोई सुपर हीरो कॉस्ट्यूम मिला है, और इस मूवी में सिर्फ उसका ही सूट है जो कि सबसे अच्छा लग रहा है। पर फिल्म में मोनिका का सुपर हीरो नाम क्या होगा ये हमें अभी पता नहीं है, लेकिन एक बात पक्की है कि उसके नाम में भी मार्वल वर्ड होगा ही। कॉमिक्स में मोनिका का भी कोड नेम कैप्टन मार्वल ही था, पर इस मूवी में जब एक कैप्टन मार्वल पहले से ही मौजूद है तो इसीलिए यहाँ मोनिका को कोई नया ही नाम मिलेगा। इस फिल्म में हमें एक बार फिर गूज कैट दिखने वाली है, जो कि एक फ्लर्किन एलियन है, और वो बहुत खतरनाक है। यहाँ गूज कमाला को क्री एलियन से बचा रही है, वो भी उन्हें खाकर। इसके अलावा ट्रेलर के एक सीन में हमें बहुत सारी छोटी बिल्लियां नजर आती है, शायद ये सब भी फ्लर्किन एलियंस है और ये गूस के बच्चे हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये था एक ट्रेलर ब्रेकडाउन वीडियो और द मार्वल्स मूवी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.